हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज है 23rd, और 23rd मीन्स मेरे बेटे का बर्थडे। और चलिए, आज 23rd मेरे बेटे का बर्थडे है। सुबह हो चुकी है, ब्रश कर लिया, चाय पी रहे हैं। थोड़ा सा गला ख़राब है, एक्चुअली गला की तबीयत ही थोड़ी सी ख़राब चल रही है आजकल। सो आज का जो दिन है, इस दिन का हमें काफ़ी दिनों से इंतजार था। दिन नहीं बोले तो सालों से, हाँ साल नहीं, साल 1 ईयर से वेट था। और ये 1 ईयर पूरा नहीं हो रहा था। हमें लगा जब 1 साल बहुत ज़्यादा होता है, 1 साल कैसे बीतेगा कि बाबू का बर्थडे मनेगा। इसलिए स्टार्टिंग मंथ से ही मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, पूरा 11 मंथ तक मैंने हर महीने 23rd को केक काटा। ये मेरा आइडिया था कि अगर हम हर महीने केक काटेंगे तो टाइम जल्दी बीतेगा, टाइम का पता नहीं चलेगा। इसीलिए खैर सच में टाइम का पता नहीं चला। लोग सही कहते, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं देखते देखते, समझ नहीं आता, पता नहीं चलता। हुआ भी वही। कोई बात नहीं, आज बेटे का बर्थडे है, इसलिए उम्मीद करते हो आप सभी मेरे साथ इस पूरे ब्लॉग में इंड तक बने रहेंगे। और एक चीज और, हैप्पी बर्थडे बोलना ना भूलिएगा, क्योंकि यार आप लोगों की दुआएं ही सब कुछ है। सॉरी। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं पूरे दिन के साथ, क्योंकि लोगों का है कि मैं पूरे दिन ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं काम कब करती हूँ? नहीं करूँगी काम आज भी, मैं ब्लॉगिंग ही करूँगी, मुझे अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना। सो चलिए पूरे दिन मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आज बहुत सारे काम है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे काम का द एंड करूँ। ब्लैक है, ब्लू है तो थोड़ा कर दीजिए। तो इसलिए मैं अपना काम शुरू कर चुकी हूँ, क्योंकि बेड खोला है, कुछ चीज़ें निकालनी है बेड में से भी। सो फाइनली हाँ, मैंने अपनी बेड खोली है, जो कि मैं खोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बेड खोलने का मतलब है कि पहले गद्दा हटाओ, फिर प्लास्टिक, उसके ऊपर जो मैट बिछा रखा है वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और थोड़ा कम प्लेस है, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन मैंने यहाँ बेड खोला है क्योंकि मुझे भी मेरी साड़ी निकालनी थी और इनके लिए भी कपड़े निकालने थे। इनको कपड़े इसलिए निकालने थे क्योंकि इन्होंने कपड़े नहीं लिया, इनका ये मानना था कि कपड़े लेकर होंगे, क्या इनके पास ब्लैक ड्रेस ऑलरेडी था, शर्ट एक, और येलो की तो बात ही अलग है, येलो तो हमारे पास दोनों के पास था, तो इन्होंने कहा कि येलो ये पहन लेंगे। तो मैंने ये वाला कुर्ता पैजामा इनके लिए निकाला येलो। वैसे शर्ट चाहते तो ये पहन सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं पहना क्योंकि इनको कुर्ता पैजामा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए इन्होंने कुर्ता पैजामा चूज़ किया, मैंने इनके लिए ये निकाला। खैर मैं ये वाला नहीं निकालने वाली थी, मुझे ये पसंद आ रहा था जो मैंने अभी हाथ में ले रखा है, लेकिन फिर हमें ये लगा कि ये तो येलो है नहीं, इसलिए मैंने वापस से ये वाला रख दिया। वैसे इनके पास काफ़ी कुर्ते पजामे के कलेक्शंस हैं, और मैं यही देख रही थी। एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जगह नहीं है अलमीरा में रखने का, तो मैंने बेड में रख दिया, जब भी मन होता है मैं निकाल लेती हूँ। और ये एक शर्ट है जो कि इनके में अब टाइट हो रहा है, बस एक बार इन्होंने पहनी, इसलिए मैं इसको एकदम अच्छे संभाल के रखती रही हूँ, क्योंकि जो भैया है मतलब हम मेरे जो देवर हैं उनके में ये बहुत अच्छे से आ जाएगा, फिटिंग आ जाएगा क्योंकि पतले हैं। उसके बाद मैंने के कपड़े निकाले, मैंने बंद कर दिया उधर का, और अब मैं निकालूंगी अपनी साड़ी। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जैसे कि मैं पिछले ब्लॉग में आप लोगों को शेयर भी की थी, थोड़ी सी तबीयत लूज है मेरी, तो मेरी आवाज़ पे ध्यान मत दीजिए। मैं नहा धो के आ गई हूँ, और आज हमारा व्रत है, मतलब मेरा और इनका। और मैंने दही बड़े के लिए दाल जो होता है वो पीस के तैयार करके रखा है। अब मैं जाऊंगी दही बड़े बनाने। हाँ दही बड़े बनाना मुझे पहले नहीं आता था, लेकिन अब मुझे आ जाता है बनाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है दही बड़े बनाने। चलिए देखते हैं। यहाँ मैं बना रही दही बड़े, जो कि मेरे को मायके में जब मैं थी तो मुझे नहीं बनाने आता था, लेकिन ये भी मैंने यहाँ पे आके सीख लिया ससुराल में शादी के बाद। और एक्चुअली जो दाल था दही बड़े का, वो मैंने कुछ ज़्यादा ही गीला पीस दिया था, उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी हो गया था, इसलिए मैं ऐसे गोल गोल बना रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बनाया था, और मैं एक तरफ रखी हूँ चाय और दूसरी तरफ बन रहे दही बड़े, दोनों साथ में बना रहे ताकि सब लोग खा लेंगे चाय के साथ। दही बड़ा मेरा इतना ज़्यादा है कि हो नहीं पा रहा है, इसलिए
मैं आ गई हूँ रूम में। मैंने सोचा थोड़ा सा नेल पेंट वगैरह कुछ लगा लेते हैं, हाथ में नेल पेंट लगाएंगे, आलता लगाएंगे और रेडी होंगे। मैं आपको अपनी साड़ी दिखाऊंगी रेडी। पूरा नहीं बन पाया, उसको अधूरा छोड़ के बस मैं अब आ गई हूँ किचन में पंजीरी बनाने के लिए। दही बड़ा नहीं हुआ, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ पंजीरी भूनने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। वो हम ऐसा सोच रहे थे कि लेट हो रहा है, लेकिन जो पंडित जी थे वो बहुत ज़्यादा लेट है। खैर हम लोग टाइम से थे, पंडित जी बहुत ज़्यादा लेट थे। और मैं यहाँ भून रही हूँ पंजीरी, चूरन जिससे बोलते हैं, धनिया डाल के भूनते हैं। खैर धनिया भूल गए थे इसलिए ऐसे भून रहे हैं। यस, तो फाइनली मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी हम रेडी हुए हैं कथा के लिए। हमारे यहाँ जो बाबा हैं, बाबा के मंदिर पे हम जाएंगे पहले कथा करने के लिए। कथा होगा वहाँ पे, कथा सुनेंगे बाबू को लेके। तो पंडित जी का वेट है, काफ़ी लेट हो रहा है, पंडित जी अभी तक पहुँचे नहीं हैं। खैर मैं कैसी लग रही हूँ मुझे जरूर बताइएगा। सोचा कि इतने देर में थोड़ा सा वीडियो बना दे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा वीडियो बनाने का, कैसे टाइम बनाए। बट फाइनली हम रेडी हो गए हैं, सब लोग बस वेट कर रहे हैं भाई पंडित जी के आने का। पंडित जी आए तो कथा स्टार्ट हो, उसके बाद व्रत भी है हमारा। सो चलिए बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में मेरे साथ, क्योंकि आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे बेटे का बर्थडे है। चूड़ा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? नाम वाला है, सॉरी नाम नहीं है, ये फोटो वाला है। इसमें एक्चुअली था नाम वाला ही, लेकिन मैंने वो चेंज करके ये फोटो वाला लगा लिया कड़ा। चलिए बने रहेगा पूरे ब्लॉग में, देखते हैं क्या क्या होता है आज पूरे दिन। काफ़ी वैसे लेट हो रहा है, काफ़ी लेट हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। पंडित जी में अभी बहुत देरी थी, वो लेट से आने वाले थे और बलून फुलाना था हमें। एक्चुअली डेकोरेशन वाला जो था वो आया नहीं था, इसलिए हम लोग खुद बलून वाली मशीन से लग गए थे बलून फुलाने में। और मुझे ये सब काम करना बहुत पसंद है। खैर फाइनली हम लोग यहाँ रेडी हो के पंडित जी आ गए थे, उसके बाद बढ़िया से निकल पड़े हैं बाबा के स्थान पे, जिनकी बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे हुआ सत्यनारायण भगवान का कथा। मैं थोड़ी सी रिकॉर्ड की हूँ, वो चीज़ आप लोग को सुनाऊँगी क्योंकि भगवान का कथा सुनना अच्छा माना जाता है। खैर ऐसा कहा जाता है कि कथा को बीच में छोड़ के नहीं जाया जाता है, लेकिन ये कथा बीच से ही रिकॉर्ड है और बीच में ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो भी रिकॉर्ड है मैं चाहती हूँ आप लोग इतना ही सुने। ओम कस्तूरी तिलकम लास्तले बचातले कौतुबम नाकाग्र प्रभव तम कंतले वेणु करे कंकलम गर्भांगे हरिचंदनम कुलतम कंठे च मुक्तावली गोपर भी प्रवेश तम भी जय ते गोपाल चूड़ामणि। ओम किंदुरम तो घनम रक्तम तो भाग्यम सुप्रवर्तम तु कदम मोतम च कुंदम रत प्रियतम। ओम गौरीभ्यो नमः किंदुरम समर्पयामि। ओम कंडात कंडात कृपोपरि यमानो दुर्विपणश्च विरक्तां च भ्यो नमः सुप्रपत्रम समर्पयामि। अभी यहाँ कुछ लोगों के मन में होगा कि बर्थडे है तो फिर कथा क्यों करवाया। सो मुझे नहीं लगता, खैर किसी के मन में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चा है अभी 1 साल का हुआ, उसका फर्स्ट बर्थडे है। तो हमने सोचा कि बड़ों के आशीर्वाद के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद, जो अपने घर के देवी देवता होते हैं उनका आशीर्वाद ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए कथा करवाया अपने घर के देवता के स्थान पे। उसके बाद हम आ गए दूसरे मंदिर पे, वहाँ पे भी पूजा किया, बाबू घंटी बजाया। इतने सारे काम होते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे आके ख़त्म करें। तो एक्चुअली पता नहीं मेरी आवाज़ भी जा रही होगी कि नहीं, क्योंकि आवाज़ थोड़ी बैठ गई है। सब कुछ हो गया, जैसे कि मैंने सुबह में बताया था, दिखाया था आप लोगों को, मैं दही बड़े बना रही थी, तो बस ऐसे ही दही में मैंने मिक्स कर लिए हैं बड़े को, तो दही बड़े भी बन गए, कथा भी हो गया, घर आ गए हैं। थोड़ा सा फीवर जैसा हो गया है, तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है। पूजा हो गया सब, केक कटिंग का टाइम अभी नहीं हुआ है।
खैर जिस घड़ी का इंतजार हम सबको काफ़ी समय से था, मेरे बेटे के बर्थडे का मुझे इस वास्ते बहुत इंतजार था, वो समय आ गया। सो शाम हो चुकी थी यहाँ रेडी होके। ये मेरे बेटे के बर्थडे का केक है, चूँकि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट थीम पे मैंने रखा था, इसलिए मैंने केक भी वैसा ही रखा। खैर ये पांडे तीन है, वो बहुत क्यूट लग रहे थे। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मेरी साड़ी कैसी लग रही है, बेटा कैसा लग रहा है। ऑफकोर्स डेकोरेशन के बारे में तो नहीं बोलेंगे ज़्यादा, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट थीम है, आई होप अच्छा ही है, सबको पसंद आया है। नॉर्मली डेकोरेशन है, कुछ खास नहीं है, बट हाँ आप बता सकते हैं। फिर यहाँ लग गए केक कटिंग की तैयारी में। जैसे ही मैंने कैंडल चलाने के लिए माचिस चलाया, उतनी देर में लाइट कट गई। खैर जब लाइट आई तो हमने केक कटिंग करा। बाबू बहुत ज़्यादा खुश था, मैंने अधिकांश देखे बर्थडे में जो बच्चे होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन जो बाबू है वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं रोया। हाँ थोड़ा सा भीड़ देख के शोर से ज़रूर रोया था, घबरा गया था, लेकिन वो नॉर्मल था। ये मेरी पूरी फैमिली और कुछ रिलेटिव्स हैं, यह मेरे घर की दामाद और दूसरी साइड बेटियाँ हैं, उसमें एक बेटी मेरी आई हुई है, मेरी बहुत बड़ी वाली। खैर उनका मैंने भी बहुत मिस किया, और भी लोग हैं जो कि बहुत अभी नहीं आए हुए, सॉरी मैं बोल नहीं पा रही अच्छे से, लेकिन बर्थडे था, बहुत अच्छा लगा, सबने इंजॉय किया, केक बहुत अच्छा था, स्पेशली बाबू बहुत खुश था। यहाँ पे हमने केक कट करे, क्योंकि ये चीज़ बाबू के लिए नई नहीं है, उसने 1 मंथ से केक कटिंग किया है, इसलिए मैं भी ये सोच रही थी कि केक कटिंग उसके लिए कुछ नई बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए एक साइड सब लोग लगे हुए हैं एकदम फ़ोन लेके रिकॉर्ड करने में, कोई फ़ोटोज़ क्लिक करा रहा है, कोई रिकॉर्ड कर रहा है। फिर हमने केक कटिंग किए बाबू के साथ, बिल्कुल भी नहीं रोया, सही बता रहे, मतलब इतनी खुशी हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुई, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि बेटा मेरा जो है वो इतनी जल्द देखते देखते आंखों से इतना बड़ा हो गया। और वो मतलब मैं इतनी इमोशनल थी, खुश थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद भी मैंने कहीं भी अपने सोशल मीडिया, कहीं भी व्हाट्सएप पे, कहीं भी स्टोरी इंस्टा, कहीं भी बाबू की फ़ोटोज़ नहीं लगाई, पता नहीं क्यों मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल सी अंदर से हो गई थी यार। देखते देखते सही बोलते लोग, इतने जल्दी बच्चे बड़े हो जाते, कुछ समय का पता ही नहीं चलता। सो हमने केक कट करी, उसके बाद जो फ़ोटोज़ खिंचवाने का कार्यक्रम था वो हुआ। बाबू बहुत देखिए कितनी खुशी से केक खा रहे, उसको भगवान ना करे नज़र लगे, लेकिन वो इतनी खुश था, इतना ज़्यादा खुश था, उसे खुश देख के हम सबको भी खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे ये ब्लैक एंड वाइट बलून्स बहुत अच्छे लग रहे थे, कलरफुल उसको कंट्रास्ट में लग रहा था, बहुत खुश था। ये बाबू की दादी बाबा जो कि आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब क्या ही बताएं, सबका आशीर्वाद के बिना बच्चों का क्या ही बोले, बच्चों को आशीर्वाद की ज़रूरत होती है सबकी, इसलिए हमने बड़ों का आशीर्वाद भी बाबू को दिलाया। सबसे बड़ी बात कि हमने कथा करवाया जो कि मन की शांति के लिए, ये बाबू के बाबा है जो कि हमारे बाबा है, खैर मतलब मेरे हस्बैंड के बाबा है, वो अभी तक है, इनकी एज लगभग 90 ईयर्स है। ये बाबू को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत मानते हैं, मतलब क्या ही बताएं। और हम लोग हंस रहे थे कि ना जाने कितने दिनों से ये पैसे इकट्ठे करके ऐसे रखे हुए थे बाबू को देने के लिए। खैर पैसे लेने देने की तो बात अलग है, आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं है। बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, बड़ों का प्यार आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। और आपको जो ये दोनों बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, ये बच्चे ट्विंस हैं, मतलब इन लोगों को था कि जब भी सेलिब्रेशन देंगे वो बाबू के हाथ में ही देंगे, इसलिए बस ये पूरे टाइम सेलिब्रेशन लेके बस खड़े रहे थे, मतलब क्या ही बताएं। और ये है अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट, मतलब मैं अपनी लाइफ का भी बता रही हूँ, मतलब सही बताया तो ऐसा गिफ्ट कभी किसी ने नहीं दिया होगा, मतलब क्या ही है यार, कहाँ से माइंड आता है। ये बाबू के बड़े पापा हैं जिन्होंने कि मतलब
इतना प्यारा गिफ्ट दिया, उन्होंने एक प्लांट दिया, मतलब इतनी खुशी हुई वो चीज़ देख के, क्या ही बताएं। फिर यहाँ फोटो सेशन हो रहा है मेरे पैसे पर, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे सिर्फ बता लो। और ये जो केक है सारी मैं पूरी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, अपनी वॉइस नहीं दे पा रही हूँ, शायद ही गला बैठा हुआ है। और वीडियोस अपलोड करना, ब्लॉग अपलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। ये जो है मेरी पूरी फैमिली, बुआ जी लोग हैं, बाबू की दादी, मतलब मेरी अम्मा सासू माँ, बड़ी अम्मा, सब लोग हैं। हर तिलक लगा के केक कट हुआ, सबने खाना खाया और फिर सो गए। फिर नेक्स्ट डे का ये हाल पूरा सारे गिफ्ट आए हुए, सबकी अनबॉक्सिंग मैंने करी है, बट देखा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं देखी क्योंकि डब्बे बहुत ज्यादा हो गए थे, इसलिए मैंने डब्बों को खाली करके बाहर निकाल दिया और बस ऐसे ही ये स्थिति सारे रूम और रख दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं अनबॉक्सिंग करूं, वो भी वीडियो लाऊं, तो मुझे कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट डे हो चुका है और लिटरली मतलब बता रहा है, इतना ज्यादा थक गए ना कि अब मतलब क्या ही बताएं। खैर मैंने रोटी बनाया नाश्ते में, भुजिया बनाई, दही था, चाय, दही, उसे से सब लोग खा लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हुआ था। और घर जो है हमारा, रूम जो भी है, तहस नहस हो चुका है इतना ज़्यादा, मैं तो पूरा को दिखाती हूँ, पूरा एकदम बहुत ज़्यादा। जो भी गेस्ट आए हुए थे वो अब धीरे धीरे निकल रहे हैं, तो और सफाई भी जारी है, हो जाएगा। तबीयत खराब हो गई है पूरी, सर्दी पूरा एकदम कोल्ड कफ से जकड़ गया है पूरा, फीवर भी है बहुत ज़्यादा। कोई ना, मिलते हैं थोड़ी देर में फिर। सो मैं यहाँ नहा के आ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है एक्चुअली नहाने में, मैं इतना लेट नहाती नहीं हूँ, लेकिन क्या ही बताया, लेट हो गया, सो कोई बात नहीं। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि मतलब मुझे सर्दी इतनी ज़्यादा है, वैसे ठंड की बात नहीं कर रही मुझे, मैं अपनी सर्दी की बात कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा सर्दी मुझे जकड़ ली है कि बस इसी का सहारा है, क्या करना है। खैर चलिए कोई बात नहीं, होता रहेगा। और इस ब्लॉग का एंड करते ही यहीं पे, अगर आप मेरे ब्लॉग पे, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एटलीस्ट मेरे बेटे को बर्थडे विश करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।